हमारे गांव में मीरा बाबा के द्वार पर आज जिलेराम शर्मा जी पहुंचे, उनसे जानेंगे किस तरह का समर्थन, किस तरह का प्यार जनता का मिल रहा। सर सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर आप। सबसे पहले तो मीरा बाबा को नमस्कार करता हूं मैं, और बारी गांव की जो माताएं जो बहनें जो है ये मटके का निशान लेकर के आगे बगैर किसी के कहे, और जो कल जो है मटका बहुत शुद्ध है ये हमारा निशान मिला है। इतनी सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं मिली हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आपके सामने देखा कई हज़ारों का सारा गांव बाहर बच्चा बच्चा जो है बाहर आया हुआ है। ये इसका कारण ये है कि इस गांव में या नहीं 86 गांव में इतना विकास हुआ, 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ। और जो है हर तरह की मान सम्मान में 5 साल से लगातार दुख में सुख में, क्योंकि मैं सरपंच भी रहा, चेयरमैन भी रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, MLA रहा, मैं कोई नेता नहीं, मैं इस शासन दल के क्या इनकी जनता का सारी जनता के परिवार का सदस्य हूं। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो अपने परिवार के सदस्य के लिए तो भाई सब अब काम करती है, सारी दुनिया काम करती है। इसलिए ये जन स्लैब जो उमड़ रहा है गांव-गांव में हर जगह पे, तो ये इससे प्रतीत होता है कि हमारी जो है वोट जो है कई मतलब मैं समझता हूँ कि लाखों से ना हो जाए ऐसा जो है मतलब जो है प्रतीत होता है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत से लेकर मैं जो है ना 100% आश्वस्त हूँ। और मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ कि भाई हाथ जोड़ के 36 बरादरी के भाइयों, मैं सब 36 बरादरी का हूँ, आपका हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है संत में, यही मेरी कर्म भूमि है। आप जो आभारी आदमी है जिन्होंने इस हलके का 5 साल शोषण किया है, उनको भगाओ और अपने बेटे और अपने भाई को जो है ना मटके के निशान का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी से बात। धन्यवाद। तो ये थे जिले, कहते हैं कि हलका उनको ही जिताएगा, उनकी जीत लगभग तय है ऐसा उनका मानना है। और भारी गांव में खूब सारा जन समर्थन है, बहुत सारा जन सैलाब यहां पर है, तो अब देखना होगा कि 86 गांव में उनकी कैसी कंडीशन है, कैसी उनकी स्थिति है, तभी पता चलेगा कि वो और प्रत्याशियों से कितना मजबूत है, कितने वो पावरफुल है, कितनी वो वोटें ले सकते हैं, कितने जीत की ओर वो अग्रसर है। कैमरामैन सहयोगी बाबा के साथ मैं यशपाल कंच। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।